नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सिंह स्वागत करता हूँ आपका। आज हमारी फर्स्ट क्लास है रीजनिंग की। हमने सबसे फर्स्ट टॉपिक, जो पहला टॉपिक हमने लिया है, वो है अल्फ़ाबेट वर्णमाला क्रम, अंग्रेजी वर्णमाला के ऊपर आधारित है। इसके अंदर हम जो स्टार्टिंग करेंगे, इस टॉपिक की हम स्टार्टिंग करेंगे, वो करेंगे हम श्रृंखला से, सीरीज से। देखिए, जो नंबर वन इस अल्फ़ाबेट में जो नंबर वन टाइप हमने लिया है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे पास वर्णमाला क्रम है, अल्फ़ाबेट है, इसको हम छः टाइप से आपको समझाने वाले, छह पैटर्न से, ठीक है। उसमें नंबर वन जो पैटर्न आता है, वो आता है अक्षरों पर आधारित प्रश्न। क्या होगा? नंबर वन होगा हमारा अक्षरों पर आधारित, ठीक है, अक्षरों पर आधारित प्रश्न। और नंबर दो होगा हमारा अक्षर युग्म, ठीक है। नंबर तीन होगा हमारा संख्या युग्म। उसके बाद में हम चलेंगे डिक्शनरी ऑर्डर में जमाना, ठीक है। कोई सा भी शब्द दे देगा, उसको डिक्शनरी ऑर्डर में जमाने के लिए बोल देगा, ठीक है। कि जब हम इसके एग्जांपल क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक पे, इस टाइप्स पे आएंगे, ठीक है, तो हम इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट और लास्ट आता है हमारे पास कुल मान ज्ञात करना। कोई से भी संख्या दे देगा, या फिर आप ये मान लीजिए अक्षर दे देगा, ठीक है, तो अक्षर का कुल मान ज्ञात करना, ठीक है। तो इस प्रकार से होंगे। अब देखिए, हम वापस आते हैं श्रृंखला पे। श्रृंखला में दी हुई है, हमें पता है टोटल 26 हो गए, इसके मतलब नंबरिंग करेंगे हम ए से लेके जेड तक, तो टोटल 26 होगी, ठीक है। यदि हमसे पूछ लेता है विपरीत श्रृंखला के बारे में, तो हम विपरीत श्रृंखला की जानकारी भी हमें होना जरूरी होता है, ठीक है। तो मैं यहीं पर ही बताता हूँ आपको विपरीत श्रृंखला। विपरीत श्रृंखला, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इनवर्स। क्या बोलते हैं उसको? इनवर्स बोलते हैं, या फिर आप इसे बोल दीजिए अपोजिट सीरीज। अपोजिट सीरीज, ठीक है। देखिए, अपोजिट सीरीज में देखिए, बात ऐसी है कि मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ, उसका कारण है कि हमसे कोई सा भी एक वर्ड है, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे नंबर वन। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, टाइप वन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो टाइप वन के अंदर हमारे पास काम में आएगा, टाइप वन क्या है हमारे पास? अक्षरों पर आधारित, अक्षरों पर आधारित प्रश्न, ठीक है। चलिए, इस पर हम देखिए, इस पर ध्यान दें, विपरीत श्रृंखला हमारे इसमें काम में आएगी, ठीक है। श्रृंखला तो एक ही है, हमारे पूरे इस अल्फ़ाबेट में काम आएगी, ठीक है। और विपरीत श्रृंखला में हमारे पूरे अल्फ़ाबेट में काम आएगी। अक्षरों पर आधारित प्रश्न में किस प्रकार हम इसको काम में लेंगे, देखिए, हमें दे देगा ए है हमारे पास कोई नंबर, ठीक है, हम बाएं से लेंगे, मतलब बाएं हाथ की तरफ से देखेंगे इसको, काउंट करेंगे तो ये नंबर वन आएगा। यदि हम दाएं हाथ की तरफ से इसको काउंट करते हैं, तो जेड है, जेड क्या आएगा हमारे पास? नंबर वन आएगा। तो हम इसको किस प्रकार कह सकते हैं कि ए बराबर, तो मतलब ए का मतलब ए किस नंबर पे? एक नंबर पे। और दाएं साइड से लेंगे तो जेड किस नंबर पे? एक नंबर पे। तो हम इसको इस प्रकार कर सकते हैं कि ए का विपरीत क्या होगा, ए का अपोजिट क्या होगा हमारे पास? जेड होगा, ठीक है। अब आते हैं हम बी पे, तो बी का अपोजिट क्या होगा हमारे पास? वाई होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, सबका याद करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, ज्यादा हम इसको देखेंगे ही। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम तक लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि यहाँ तक हमारे पास 13 नंबर आ गए। उसके बाद में जो 14वां नंबर आएगा, वो कहाँ से लेंगे हम? एन यहाँ से लेंगे, एन ओ पी Q R S T U V W X Y Z। तो बात आ गई होगी समझ में। C का अपोजिट क्या हो गया? X, T का W, E का V, F का U, G का T, H का S, I का R, J का Q, K का P, L का O, M का N। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में ध्यान देते हैं हम आगे, क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। तो सबसे पहले हम इनके नंबरिंग नोट कर लेते हैं, ठीक है। ये होगा हमारे पास 1, 2, 3, 4। देखिए, नंबरिंग तो ये वाली आएगी, 26 तक ही आएगी, है ना। फर्क इतना सा है कि हम इसको अपोजिट कर लिए हैं इसके, ठीक है। ये 10 हो गया, 11, 12 और ये हो गया हमारा 13, ठीक है। अब ये तो हमारे पास क्या हो गया कि बाएं हाथ की तरफ से लेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर अक्षरों पर आधारित। तो अक्षरों के अकॉर्डिंग आएगा अक्षर। यदि हमें बोल देता है सी, सी का अपोजिट, तो सी क्या है? तीसरे नंबर पे। यदि हम दाएं हाथ से लेंगे तीसरा, ठीक है, हमें बोल देता है बाएं हाथ से तीसरा नंबर किसका है? सी का है। हमसे पूछ लेता है दाएं हाथ की तरफ से, तो दाएं हाथ में सबसे पहले कौन आएगा? जेड आएगा। तो जेड का नंबर क्या हो गया? 1। ये हो गया 2, 3, 4। इस प्रकार ये हमारे पास पूरे 13 तक आ जाएंगे, और ये टोटल करेंगे हम इसको, तो ये 26 हमारे पास अक्षर आ जाएंगे इसमें। बात आ गई होगी समझ में। देखिए,
देखिए यहाँ तक हो गया, ये हमारे पास 12 है, 12 नंबर पे क्या है, ओ है। देखिए ये सब मैंने आपको बता रहा हूँ, तो आप सोच रहे होंगे ये काम किस में आएंगे, तो इसके लिए हमें एक एग्जांपल लेने की ज़रूरत होगी। तो देखिए एक एग्जांपल यहाँ पर ले लेता हूँ मैं। हमें क्वेश्चन दे रखा है दाएं तरफ से, ठीक है, दाएं तरफ से बारवा अक्षर का पांचवा, या फिर हम ये कैसे कह सकते हैं, दाएं तरफ से तो बारवा का बाएं का, ठीक है, का बाएं पांचवा अक्षर, ऐसे बोल सकते हैं, बाएं पांचवा अक्षर, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन देता है कि बाएं पांचवा अक्षर कौन सा है, ठीक है। अब हमें पूछ लेता है यहाँ पे, दो अक्षर दे देता है, मतलब नंबरिंग देता है ओनली, ठीक है। मैंने आपसे पहले भी यही कहा था, जब मैं आपसे श्रृंखला लिखवा रहा था, तो मैंने आपसे कहा था कि नंबरिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। अक्षर तो हमें ज्ञात करने के लिए देगा, ठीक है। तो हमको इसको किस प्रकार करेंगे, देखिए दाएं तरफ से बारवा अक्षर, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है मैं, बारवा अक्षर है, और इस बारवे का बाएं पांचवा अक्षर। अब चलो हमारे पास ये तो आ गया, 12 और 5 तो आ गया, लेकिन आगे क्या करना है हमें। अरे भाई क्वेश्चन तो किसी भी टाइप से दे सकता है हमसे, क्वेश्चन हमें ये भी बोल सकता है कि दाएं का ही बारवां का दाएं, मतलब बाएं की जगह फिर से दाएं आ सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए देखिए मैंने अपनी तरफ से एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है, मैं आपको भी बताता हूँ, बहुत हेल्प होगी। देखिए यहाँ पर जगह है, मैं बताता हूँ, यहीं पर ही जैसे हम किनारे की बात करते हैं। अच्छा आप बोलोगे कि किनारा मतलब क्या हो गया, देखिए किनारे का अर्थ ये हुआ कि दाएं तरफ से, मतलब इसमें हमें कोई अक्षर नहीं दे रखा है हमसे क्वेश्चन में। देखिए हम आगे क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा हमसे कि के का बाएं या फिर के का दाएं, तो यहाँ पर तो अक्ष पर डिपेंड करता है, इस अक्षर पर डिपेंड करता है, ठीक है, इस शब्द पर डिपेंड करता है। हम बात कर रहे हैं दाएं तरफ से, यदि दाएं या बाएं इस प्रकार हमसे पूछा जाता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, किनारा। क्या बोलेंगे हम उसको, किनारा बोलेंगे। और इस टाइप की देखो किस प्रकार करेंगे हम, ये मैं एक टेबल बना देता हूँ यहाँ पर एक छोटी सी, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएंगे, तो इसमें हमें करना क्या है, 12 और 5 तो हमने लिख दिया, ठीक है ना। हम कहाँ इसको टोटलिंग करने बैठेंगे, एक टाइम वेस्ट करेंगे अपना। रीजनिंग इसलिए नहीं आती, टाइम वेस्ट करने के लिए रीजनिंग आती है, टाइम बचाने के लिए। टाइम किस प्रकार बचाएंगे, यहाँ पर देखिए आप, ये देखिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम इसके अंदर, ये टेबल तो बना दी मैंने, करेंगे क्या इसमें। हमें पता है दायां, दायां मतलब हमारा राइट हैंड, क्या हो गया हमारा राइट हैंड हो गया, ये लीजिए आर। उसके बाद में क्या है हमारा बायां, मतलब लेफ्ट हैंड हो गया। यदि एक क्वेश्चन के अंदर राइट और लेफ्ट दोनों एक साथ आ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये देख लीजिए, तो राइट आ गया और ये लेफ्ट। अरे भाई ये 12 है ना, ये तो क्या है, राइट हैंड की तरफ से आया है, और ये 5 आया किसकी तरफ से आया, लेफ्ट हैंड की तरफ से आया है। तो राइट लेफ्ट क्या करेंगे हम, इसका प्लस करेंगे। यदि हमसे बोल देता है पहले लेफ्ट फिर राइट, तो हम क्या करेंगे, अरे भैया इसका क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे। क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे। यदि यहीं पर ही हमसे बात कर दी जाती है किनारे की, या फिर हम बात करते हैं कि यहीं पर ही हमसे पूछा जाता है शब्द के बारे में, किसके बारे में पूछा जाता है हमसे, शब्द के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो यदि शब्द दे देता है जैसे हमसे बीच में, मैं देख लेता हूँ, एक और टेबल बनाएंगे हम शब्द के लिए, शब्द या फिर आप मान लीजिए अक्षर, ठीक है। अक्षर मतलब हमसे बोल देता है, अरे भैया पी है, अब पी से बोल रहे हैं यहाँ पर, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है दाएं तरफ से, डायरेक्ट दाएं तरफ से बोल दिया, हमसे बोल देता है पी के दाएं तरफ से या पी के बाएं तरफ से, तो उसको किस प्रकार करेंगे हम, देखिए यहाँ पे ये छोटी सी टेबल बना देते हैं हम यहाँ पे एक। देखिए बात ऐसी है कि अक्षरों के लिए हमसे बोल देता है ये कि एक बार तो राइट एक बार लेफ्ट, तो क्या करेंगे हम इसका, हम क्या करेंगे, देखिए एक बार तो राइट की तरफ बात कर रहा है, मतलब शब्द दे रखा है हमें, कोई भी शब्द ले लेता है, जैसे मैंने मान लिया पी दे दिया, पी के दाएं तरफ फिर उसके बाएं तरफ, तो क्या करना होगा भैया, यहाँ पर होगा हमारे पास प्लस। यदि हमसे बोल देता है पहले तो लेफ्ट फिर राइट, तो क्या होगा, माइनस होगा, क्या होगा, माइनस होगा। यहीं पर यदि किनारे पर बात कर दी जाती है, इस किनारे में फर्स्ट तो ये हो गया, ठीक
ठीक है। दूसरे पे हम बात करते हैं कि किनारे में यदि हमसे बोल दिया जाता है, क्या बोल दिया जाता है देखिए इस टेबल में, कि दोनों बार हमसे राइट राइट की बात करवा रहा है, किसकी मतलब दाएं तरफ की बात करवा रहा है, ये लीजिए दोनों बार किसकी बात करवा रहा है, दाएं हाथ की बात करवा रहा है, मतलब दाएं तरफ से ही बारवां और दाएं का ही पांचवा, ठीक है। तो क्या करना होगा वहाँ पे, मैं माइनस करना होगा, क्या करना होगा, मैं माइनस करना होगा। हमसे बोल देता है कि दोनों तरफ बायां दे रखा है, यानी बाएं तरफ से ही और बाएं का ही, ठीक है। इस तरफ से एक ही क्वेश्चन में दो बार बायां मतलब लेफ्ट की बात कर दी जाती है, तब भी हमारे पास माइनस ही आता है, ठीक है। और शब्द के अंदर भी ऐसा ही होता है, तो जब शब्द वाले क्वेश्चन आएंगे तब आपको शब्द के बारे में अच्छे से समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, यूज में ले लेते हैं हम इसको, ठीक है। तो बहुत मतलब बहुत फायदा होगा हमें। अब देख लीजिए, शब्द को मैं हटा देता हूँ, अभी शब्द का हमें कोई काम नहीं है, जब क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के तो हम इनको कर देंगे। देखिए यहाँ पर बात की जा रही है 12 और 5 दे रखा है, अरे भैया एक बार तो राइट आ गया और एक बार क्या आ गया, लेफ्ट आ गया, क्या करेंगे हम इसका, देखिए राइट आ गया फिर लेफ्ट आ गया, हम इसको प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब भैया देखिए 17 काउंट कर लीजिए आप यहाँ से, तो यहाँ से 17 हमको काउंट करने की जरूरत नहीं है, 17 लिखा हुआ है किसके ऊपर है, क्यू के ऊपर है, किसके ऊपर है, क्यू पे, क्यू के ऊपर है। तो क्यू के हमारा सही आंसर है क्या, नहीं, क्यों, अरे भैया क्यू को इधर से काउंट करेंगे तो ये तो हम बाएं से स्टार्ट कर रहे हैं, जबकि हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, दाएं से स्टार्ट करना है, मतलब जेड की तरफ से स्टार्ट कीजिए। तो जेड की तरफ से हम 17वां नंबर स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, क्या आ रहा है हमारे पास जेड। तो 17वां नंबर कहाँ से, दाएं से, कहाँ से, दाएं से, कौन सा होगा, जे होगा, कौन सा होगा, जे होगा। तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये पूरा मटेरियल हमारे काम का है, बिना काम का कुछ भी नहीं है, जो भी यहाँ पर आपको इस बोर्ड पे पढ़ा दिया जाएगा वो सब काम का मटेरियल होगा, है यहाँ तक कि ये भी, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला की बात की जा रही है, मैंने यहाँ पर सब देख लिख लिया ताकि हमें क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी होगी। आप भी जब देखिए, जब क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं तो रफ में अंदर ये सब लिख लीजिए, बहुत ईजी वे आप कर पाएंगे, ठीक है। ये देखिए, ये अंग्रेजी जो वर्णमाला है, श्रृंखला जो हमने लिख रखी है, विपरीत श्रृंखला, और ये जो श्रृंखला है हमारे पास, ये सब हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग में भी काम आएगी, ठीक है, और पूरी इसमें वर्णमाला में भी काम में आएगी, अल्फाबेट में। आइए क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है हमें, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएँ से 11वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए बात की जा रही है यहां पे, बता देता हूं मैं आपको, दाएं से 11वां अक्षर, सबसे पहले स्टार्ट काम कर रहे हैं हम दाएं से, ठीक है। तो दाएं से हम, अच्छा दाया मैंने आपको बताया था कि जैसे हम ऐसे खड़े हो जाते हैं, ठीक है, और ये सामने हमारा क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये श्रृंखला लिख लेंगे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, एक बार लिख लीजिए। राइट हैंड से स्टार्ट कर रहे हैं, दाएँ से मतलब दाएँ क्या है, जेड, मतलब ये क्या होगा हमारा, दाएँ से नंबर 1 होगा, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है, दाएँ से लिख रखा हूँ मैं 1 2 3, ठीक है। हमसे बोला गया है दाएं से 11वां अक्षर, ठीक है। तो दाएं से 11वां अक्षर कौन सा है हमें नहीं पता, हमें अक्षर पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ हमें यहाँ पर ध्यान देना है 11, कि हमारे पास जो संख्या आ रही हो क्या आ रही है, 11 आ रही है। उसके बाद हमसे बोला जा रहा है कि दाएं से 11वां अक्षर, और उसके बाद में 11वें अक्षर के बाएँ से 7वां अक्षर, ये लीजिए। हमसे बोला गया है एक बार तो दायां, ठीक है, और एक बार बायां, आर एल एक साथ आ जाते, तो हम क्या करते हैं किनारे से, देखिए ये और देखिए किनारे से बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, मतलब दाएं से कोई शब्द नहीं लिया गया है, तो क्या करेंगे इनका हम प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब हमें शब्द ज्ञात करना है, वो अक्षर कौन सा होगा, वो अक्षर कौन सा होगा, 18वां अक्षर कौन सा होगा, कहाँ से लेंगे हम, दाएं से लेंगे, मतलब यहाँ से लेना पड़ेगा, हमें उठाना पड़ेगा 18 अक्षर, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मतलब क्या है हमारे पास आई, ये जो 18वां अक्षर होगा हमारे पास वो क्या होगा आई, और ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो आई इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है यहाँ पे, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं से 9वां अक्षर, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ठीक
ठीक है, मतलब पहले तो हमें दाएं से देता है, और अब जो बात की जा रही है बाएं से, सातवां अक्षर। देखिए पहले हमें संख्या पे ध्यान देना है, सात दे रखा है, उसके बाद हमें बोल रखा है नौवां, मतलब नौ, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, बाएं से, पहले तो बाएं से फिर उसके बाद में दाएं से, मतलब पहले तो एल आ रहा है, मतलब देख लीजिए ये सात लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, एल मतलब बाएं से, और ये नौ लिया गया है, ये दाएं से लिया गया है। एल आर मतलब क्या करना पड़ेगा इसका, हमें टोटल करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा हमें इसका, टोटल करना पड़ेगा, सात और नौ हम टोटल करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, सिक्सटीन आ जाएगा। अब सिक्सटीन देखिए कहाँ से काउंट करना है हमें, एल से मतलब बाएं से काउंट करना है, क्योंकि क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, हमारे किनारे से, किनारा कौन सा दे रखा है इसमें, बायां दे रखा है, मतलब बाएं से सात हुआ, तो बाएं से देख लेते हैं हम, वन टू थ्री हमारे पास सिक्सटीन डायरेक्ट दे रखा है, पी आ रहा है, तो इसका जो उत्तर आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, पी इसका आंसर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर तीन की, क्वेश्चन नंबर तीन हमें दे रखा है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन नंबर तीन दे रखा है हमें, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दसवें अक्षर के बाएं नौवां अक्षर कौन सा होगा, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, ठीक है। देखिए बात करते हैं हम अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, बाएं से बात की जा रही है, ठीक है, तो हमें सबसे पहले संख्या पे ध्यान देना है और कुछ नहीं देखना, दस दे रखा है, और ये कहाँ से है, बाएं से, मतलब हम एल लिख देंगे, उसके बाद में बाएं से, अच्छा फिर बाएं की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, नो, ये भी कहाँ से, बाएं से लिया गया है। देखिए बात समझ में आ गई होगी, अब किसकी बात कर रहा है, चलो स्टार्टिंग तो कहाँ से हो रही है, किनारे से हो रही है, मतलब बाएं से स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, हमारी किनारे से हो रही है, एल एल दो बार आ जाता तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे हम इसका, माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अच्छा वन कहाँ से, किनारे कौन सा, बाएं से, मतलब ए, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए हो जाएगा, अक्सर तो पूछा जा रहा है हमसे, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीन देखते हैं अब हम, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत, ठीक है, थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे धीरे धीरे, देखिए आप देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर तीन हमें दे रखा है यहाँ पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर चार, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 25वें अक्षर, दाएं से 25वें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा, हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर एक आया था दाएं से बाएं, फिर आया बाएं से दाएं, और फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर तीन आया हमारे पास बाएं से बाएं, और अब दोनों जो दे रखा है वो आर आर मतलब दाएं से दाएं, शब्द हमें देखना है, शब्द दे रखा है हमारे पास यहाँ पे, देख लेते हैं हम, हाँ शब्द दे रखा है हमें यहाँ पे 25, देखिए क्या दे रखा है, पहले तो 25 दे रखा है, ठीक है, 25वें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर, ठीक है। अच्छा दोनों हमारे पास कहाँ से आ रहे हैं, राइट से आ रहे हैं क्या, दाएं से आ रहे हैं क्या, क्या करेंगे, आर आर बताइए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, अरे भाई 20 आ रहा है ना, अब 20 आप बाएं से गिन लीजिए, काउंट कर लीजिए बाएं से, तो सॉरी दाएं से काउंट करने के लिए बोल रहा है, तो हम उल्टा काउंट करेंगे, इसको अपोजिट काउंट करेंगे, तो देखिए यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसमें आंसर, जी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो इस प्रकार से अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स के अंदर। अब आगे चलते हैं हम इसमें, देखिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पाँच में दे रखा है, वर्णमाला में आई के बाएं चौथे अक्षर के दाएं सोलहवां अक्षर कौन सा होगा, बात किसकी की जा रही है, हमसे शब्द की बात की जा रही है, अब तक हम किनारे पे चल रहे थे, अब हम ले लेते हैं यहाँ पर शब्द, अब शब्दों की बात की जा रही है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर पढ़ लिया आपने, शब्द के लिए बोला जा रहा है, मतलब एक आई शब्द आ रहा है, अक्षर आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए, अब देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा, यहाँ पर हम अब तक किनारे की बात कर रहे थे, तो किनारे को भी रहने देते हैं हम, ठीक है, और साथ ही में यहाँ पे अक्षर के लिए भी थोड़ा लिख देते हैं हम, देखिए यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको, अक्षर जब अक्षरों की बात की जाती है, ठीक है, और उसके अंदर भी हमसे बाएं और दाएं के लिए बोला जाता है, किसके लिए, बाएं और दाएं के लिए बोला जाता है, देखिए किस प्रकार करेंगे हम, देखिए हमसे बोल दिया जाता है, एक बार तो आपके पास आ जाता है दायां, एक बार आ जाता है आपके पास बायां, ठीक है, और एक बार ये बायां और दायां, ठीक है, तो हम किस प्रकार करेंगे यहाँ पे, तो देख लेते हैं, अच्छा यहाँ पे दायां और फिर उस देखिए बायां और दायां जब आ जाता है तो हम इसको माइनस करते हैं, दायां और बायां जब आ जाता है तो हम इसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं,
ठीक है, बात आ गई होगी समझ में। अब ये देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि वर्णमाला में आई, आई के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, ये हमारे पास आई है यहाँ पे, ठीक है, इसके बारे में बात की जा रही है। तो आई के बाएं चौथे अक्षर, आई से बाएं जा रहे हैं हम, तो कौन सा अक्षर है? चौथा अक्षर है। कहाँ कहाँ से जा रहे हैं हम? बाएं जा रहे हैं, मतलब ठीक है, लेफ्ट। उसके बाद में बोला गया है हमसे कि सोलवा अक्षर, और ये सोलवा अक्षर क्या बोला गया है कि बाएं से दाएं, बाएं से दाएं कौन सा अक्षर है हमारे पास? सोलवा अक्षर है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इनका माइनस करेंगे। अच्छा, माइनस करने का मतलब ये नहीं भाई इसका उत्तर माइनस में आएगा, माइनस करने का अर्थ ये है कि इनका अंतर निकालना है, ठीक है। अब अंतर कितना हो गया है इसका बता दीजिए, यहाँ पे 12 हो रहा है, इसका अंतर कितना हो रहा है? 12 हो रहा है। अच्छा, इसमें कहाँ से बोला गया है मैं कि आई, आई से बाएं, आई के बाएं, बाएं के लिए बोल रहा है तो ऑब्वियसली हम बाएं से चलेंगे। देखिए 12 आ रहा है हमारे पास, बाएं से चलिए। अच्छा, बाएं से हम, जैसे हम बाएं की बात की जाती है, हमसे वैसे बोला जाता है क्वेश्चन के अंदर कि आप बाएं से चलिए, तो हम कहाँ से चलते हैं? ए से स्टार्ट करते हैं। यदि दाएं के लिए बोला जाता है तो हम जेड से स्टार्ट करते हैं। अब बाएं के लिए बोला गया तो हम ए से स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर शब्द दिया गया है हमें, वो क्या है शब्द? आई, तो हम आई से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आई को नहीं गिनेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पे क्या आ रहा है हमारे पास? क्या आ रहा है हमारे पास 12 पे? U आ रहा है, और U इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? U हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, U। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है। चलो एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, शब्द पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है हमें, वर्णमाला में J अक्षर के बाएं, तीसरा अक्षर के दाएं और 15वां अक्षर कौन सा होगा? J की बात की जा रही है, ठीक है, ये रहा हमारे पास J, ठीक है। जे से बोला जा रहा है कि जे के बाएं कौन सा अक्षर है? तीसरा अक्षर है, तीसरा अक्षर बोला गया है, और कहाँ के लिए बोला गया है? बाएं है ये, इसके जे से बाएं है तीसरा अक्षर, और इसके दाईं ओर 15वां अक्षर है। कौन सा है? 15वां है, और कहाँ है? इसके दाईं ओर है, ठीक है। एल आर, ठीक है, दोनों आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, अंतर निकालेंगे, इसके अकॉर्डिंग तो चल रहे हैं अब तक, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारे पास? 12 हो जाएगा। अब देखिए जे से और बाईं ओर से बोला गया है हमें, कहाँ से बोला गया है? बाईं ओर से, मतलब ऐसे स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन जे आ गया तो जे से स्टार्ट करेंगे 12वां अक्षर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर? वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। बात आ गई होगी समझ में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, सिंपल है, अच्छे हैं, बस थोड़ा कन्फ्यूजन का सवाल है। तो मैंने आपको बताया तो इनसे कन्फ्यूजन का नाम ही नहीं है, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो। ये एक टेबल मैंने अक्षर वाली बना दी है, शब्दों वाली बना दी है। आज हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, इस पर आधारित जो क्वेश्चन है वो भी हमने करने की कोशिश की है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 7 और उसके आगे के क्वेश्चन हम आगे करते हैं और थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे इसी पर, मतलब जो हमारे पास चल रहा है अक्षरों पर आधारित जो टाइप चल रहा है, टाइप नंबर 1, इसको नेक्स्ट क्लास में हम फिनिश कर देंगे और अच्छे से अच्छे और ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।